दलिया में दूध डाल रहे हैं और उसको अच्छे से फेटेंगे, उसको मिलाएंगे और बनाएंगे गुलाब जामुन। बन रहा है गुलाब जामुन, ये देखिए चाशनी में डुबा दिए हैं, ऐसी बना है दलिया का गुलाब जामुन। इतना गुलाब जामुन बनाए हैं तो अभी इसको ठंडा होने देते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार। श्याम जी ब्लॉग समय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जिंदगी में मस्त होंगे। तो अभी सुबह के 8 बजे हैं, तो आज हम लोग बनाएंगे गुलाब जामुन। बिना मंथन पाउडर का गुलाब जामुन बनाएंगे। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए दूध लगेगा, तो पहले गाय को कोठा से बाहर निकाल देते हैं और गाय को खाने के लिए कोंढ़ा दे देते हैं, फिर गाय का दूध दुहेंगे, फिर हम लोग बनाएंगे गुलाब जामुन। तो चलिए चलते हैं, गाय को कोठा से बाहर निकालेंगे। गाय को कोठा से बाहर निकाल दिए हैं और कोंढ़ा दे दिए हैं खाने के लिए। गाय कोंढ़ा खा रही है और गाय कोंढ़ा खा लेगी तो फिर गाय का दूध दुहेंगे और फिर हम लोग बनाएंगे गुलाब जामुन। बिना मंथन पाउडर का गुलाब जामुन बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे आप लोग वीडियो में बने रहिए। और यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और देखिए अभी का नज़ारा, अभी का मौसम कुछ इस प्रकार से है। तो गाय अभी कोंढ़ा खा रही है, गाय कोंढ़ा खा ली है, अब गाय का दूध दुहेंगे। तो डेग को यहाँ पर रख देते हैं और बच्चे को ले आते हैं कोठा में है। गाय का दूध दे रहा हूँ, गाय का दूध दुह रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, दूध दुह ली हैं, एक लोटा दूध दुहे हैं। ये देखिए कितना दूध दुहे हैं। लोग इसे लेकर जाएंगे रसोई घर में और बनाएंगे गुलाब जामुन। तो चलिए बच्चे को ढील देते हैं, बांधे तो यहाँ पर रख देते हैं, बच्चे को ढील देते हैं और फिर हम लोग बनाएंगे गुलाब जामुन। हम लोग आ गए रसोई में और देखिए अब हम लोग बनाएंगे गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए पहले चाशनी बनाएंगे। तो चूल्हा में अभी आग जला रहे हैं और पहले चाशनी बनाएंगे, फिर हम लोग बनाएंगे गुलाब जामुन। तो चलिए चूल्हा में आग जला देते हैं और पहले चाशनी बनाएंगे। तो इस गन में बनाएंगे चाशनी, चीनी शक्कर का चाशनी बनाएंगे। तो देखिए गन को चूल्हा में चढ़ा दिए, अब गन में पानी डालेंगे और बनाएंगे चाशनी, शक्कर चीनी का चाशनी बनाएंगे और फिर बनाएंगे हम लोग गुलाब जामुन। बिना मंथन पाउडर का गुलाब जामुन बनाएंगे, तो हम लोग जो है जो दलिया मिलता है ना उसी का गुलाब जामुन बनाएंगे, मंथन पाउडर नहीं लिए हैं। दलिया आंगनबाड़ी में दलिया मिलता है, उसी का हम लोग बनाएंगे गुलाब जामुन। तो देखिए गन को चढ़ा दिए चूल्हा में और गन में पानी डाल दिए, अब इसमें चीनी डालेंगे, शक्कर, ये देखिए इतना शक्कर लाए हैं। तो चलिए हम डालते हैं, शक्कर को डाल रहे हैं, ये देखिए शक्कर को डाल दिए और इसे बनाएंगे चाशनी, फिर गुलाब जामुन को इसमें डालेंगे। शक्कर को अच्छे से घोल रहे हैं और ये बनेगा चाशनी। तो हम लोग अभी चाशनी बना रहे हैं और बनाएंगे हम लोग गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए देखिए दलिया लाए हैं, जो आंगनबाड़ी में मिलता है ना वही वाला ये दलिया है, इसी का हम लोग गुलाब जामुन बनाएंगे। तो देखिए एक पाकिट दलिया है, तो सबको नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा इसमें से बनाएंगे, थोड़ा सा लेंगे। और ये देखिए एक लोटा दूध लिए हैं और एक पैकेट ये है दूध पाउडर, दूध पाउडर लाए हैं और ये सोडा है। तो इस सब को मिलाकर हम लोग बनाएंगे गुलाब जामुन। तो अभी शक्कर का चाशनी बना रहे हैं, तो चलिए दलिया को पहले अच्छा से छानेंगे। दलिया पाउडर को अभी छन्नी में छान रहे हैं, जो बारीक है उसी को लेंगे और इसी के हम लोग बनाएंगे गुलाब जामुन। देखिए मोटा कण है वो निकल जाएगा ये छन्नी से छान देने से, देखिए बारीक एकदम बारीक बारीक ही आ रहा है और मोटा वाला कण है उसको इधर रख रहे हैं। ये देखिए, चलिए ये देखिए चाशनी बना रहे हैं गंज में, देखिए घी और पकेगा। दलिया को अच्छा से छान लिए हैं, अब इसमें जो है देखिए ये सोडा है, सोडा को मिलाएंगे, थोड़ा सा एक चुटकी इसमें सोडा मिलाएंगे और
ये दूध पाउडर लाए हैं, इसको मिलाएंगे और इस दूध में हम लोग इस दूध को भी मिलाएंगे और इसको अच्छे से फेंटेंगे। थोड़ा सा इसमें सोडा डाल दिए, अब इसमें हम लोग डालेंगे ये दूध पाउडर। सब डाल दिए, ये देखिए एक पैकेट दूध पाउडर को डाल दिए और इसको अच्छे से मिला रहे हैं। चलिए फेंटिए इसको। फिर डलिया में दूध डाल रहे हैं और उसको अच्छे से फेंटेंगे, उसको मिलाएंगे और बनाएंगे गुलाब जामुन। देखिए और इधर चाशनी बन रहा है गंज में, तो चलिए इसको अच्छे से फेंट लेते हैं। डलिया को अच्छा से इसको फेंट लिए हैं और इसको हम लोग अब बना रहे हैं गुलाब जामुन। इसको गोल गोल लड्डू जैसे करके देखिए इस थाली में रख रहे हैं। ये देखिए इतना गोल गोल बना लिए हैं और अभी चाशनी अभी बन रहा है, तो चलिए सबको ऐसे ही गोल गोल बनाकर इस थाली में रख लेते हैं। डलिया का गुलाब जामुन बना रहे हैं, ये देखिए ऐसे ही गोल गोल बनाकर इस थाली में रख रहे हैं। दोस्तों डलिया को गोल गोल लड्डू जैसे बना लिए हैं और ये है गुलाब जामुन, चाशनी भी बन गया, तो इसको अब उतारेंगे। अब इसको उतार कर रख देते हैं। देखिए अब वहाँ पर रख दिए, कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं, अब तेल गर्म हो रहा है, तेल गर्म हो गया है, अब इसमें डाल रहे हैं ये देखिए और बना रहे हैं गुलाब जामुन। देखिए डाल दिया, इसको धीमी आंच में पका रहे हैं। ये देखिए बन रहा है गुलाब जामुन, डलिया का गुलाब जामुन। इसको लाल होते तक इसको पकाएंगे, इसको निकाल कर इस थाली में रखेंगे। अच्छा से पक गया है, लाल हो गया है, अब इसको निकाल कर थाली में रखेंगे। ये देखिए थाली में रख दिए, तो गुलाब जामुन बना लिए हैं। अब कढ़ाई को उतार कर यहाँ पर रख दिए और ये है दोस्तों चाशनी। ये देखिए गंज में चाशनी बनाए हैं, अभी और पकाएंगे। ये देखिए तो इसमें गुलाब जामुन को डुबाएंगे, इसमें डाल रहे हैं। और ये है डलिया का गुलाब जामुन और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है। ये देखिए सबको डुबा दिए, इसको और पकाएंगे अभी अच्छे से। ये जो चाशनी है ना ये अंदर घुस जाएगा, ढक्कन को निकालेंगे। ये देखिए ढक्कन को निकाल कर देख रहे हैं, ये देखिए चाशनी में डुबा दिए हैं और इसको और पका रहे हैं। गुलाब जामुन के अंदर में चाशनी जो है अंदर घुस जाएगा। ये देखिए देखिए ऐसी बना है डलिया का गुलाब जामुन, खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है, आनंद आ जाता है। ये देखिए चाशनी जो है ना गुलाब जामुन के अंदर में घुस रहा है। गुलाब जामुन बना लिए हैं, अब इसको ठंडा होने देते हैं। तो अभी अब हम लोग बनाएंगे खाना, इसको ठंडा होने देते हैं फिर हम लोग खाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा मैं चेक कर देखता हूँ कैसे बना है, बहुत ही अच्छा बना है, एकदम मीठा लग रहा है। तो आज की इस ब्लॉग वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। यदि वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, बाय बाय।